भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में स्थित है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ हिमालय की तलहटी और उत्तर प्रदेश में तराई के मैदानों में स्थित है। यह भारत के 50 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के कुछ अच्छे जंगलों में से एक है। वर्ष 2004 के एक अनुमान के अनुसार पीलीभीत जिले में 800 किलोमीटर 210 वर्ग मील के जंगल है, जिसमें जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% हिस्सा है। पीलीभीत के जंगलों में कम से कम 36 बाघ है और उनके जीवित रहने के लिए एक अच्छा शिकार का आधार भी है। चूका वन जिला पीलीभीत में शारदा नदी के तट पर स्थित है। शारदा नदी पर शारदा सागर बांध शारदा सागर जलाशय बनाता है, जो वन क्षेत्र के साथ एक सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत करता है। साल के जंगल जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, पक्षियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर है। ये वन प्रकृति के साथ अपने संबंधों को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह रिजर्व अत्यधिक विविध और उत्पादक तराई, डुअर सवाना और घास के मैदान इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। तराई के जंगलों और घास के मैदानों में 127 से अधिक जानवर, 556 पक्षियों की प्रजातियां और 2100 फूल वाले पौधे पाए जाते हैं। वे लगभग 60 लाख लोगों के घर भी है, जो उनकी आजीविका के लिए उन पर निर्भर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बड़ी संख्या में दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों का घर है, जिसमें बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, दलदली हिरन, हरपीट हरे और बंगाल के फूल शामिल है। 15 नवंबर को पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र शुरू हो जाता है। वहीं पर्यटकों को पहले ही दिन टाइगर सफारी के दौरान बाघ के दीदार हो गए। ऐसे में वाहन में सवार सभी पर्यटक रोमांचित हो उठे। वहीं सफारी करने को लेकर भी पर्यटकों के डोह देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व तकरीबन 73,000 हेक्टेयर में फैला जंगल है। वही यहाँ की आबोहवा भी वन्य प्राणियों के लिहाज से काफी अधिक अनुकूल है। पीलीभीत वन्य जीव विहार को सन 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। जब से ही यहाँ के अनुकूल वातावरण, बेहतर मैनेजमेंट के चलते बाघों के समेत तमाम वन्य जीवों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही कारण है कि बीते सालों में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लोकप्रियता वन्य जीव प्रेमियों व पर्यटकों में काफी बढ़ी है। टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र शुरू होने के पहले ही दिन हम पीलीभीत टाइगर सफारी पर गए थे। कुछ देर तराई के खूबसूरत जंगल के नज़ारे लेने के बाद एकाएकी सफारी रूट पर एक बाघ आ गया। इस टाइगर ने तकरीबन 500 मीटर तक गाड़ी के सामने पर्यटकों को अपनी रॉयल वॉक दिखाई। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर सफारी वाहन के मौजूद सभी पर्यटक रोमांचित हो उठे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लोकप्रियता बीते कुछ सालों में इतनी अधिक बढ़ी है कि देश के साथ ही साथ दुनिया भर के तमाम वन्य जीव प्रेमी यहाँ का रुख कर रहे हैं। पर्यटन सत्र 2023 और 24 के उद्घाटन समारोह के बाद पहले दिन ही 300 से भी अधिक पर्यटकों ने टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। वहीं इन पर्यटकों में कई विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। दरअसल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला हिमालय के शिवालिक पर्वतमाला के तराई में बसा एक खूबसूरत जिला है। पूरे जिले भर में नदियां व नहरों का जाल बिछा हुआ है। पड़ोसी देश नेपाल की काली नदी, जो भारत में शारदा नाम से जानी जाती है, वह यहाँ की प्रमुख नदी है। वही अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ तराई का एक बेहद खूबसूरत जंगल है। तराई का प्रमुख क्षेत्र होने के चलते यहाँ के जंगल में नदियाँ व नहरों का एक विस्तृत जाल बिछा हुआ है। साथ ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कोर व बफर जोन में पानी के तमाम प्राकृतिक स्रोत मौजूद है। ऐसे में यह जंगल वन्य जीवों के लिहाज से काफी अनुकूल माना जाता है। जानकारों की मानो तो टाइगर को सर्वाइवर करने के लिए जिस तरह से लैंडस्केप की जरूरत होती है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ठीक वैसा ही जंगल है। यही कारण है कि बीते कुछ सालों में संरक्षण पर जोर देने के परिणाम स्वरूप यहां बाघों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नदियों, नहरों के साथ ही साथ एक 25 किलोमीटर लंबा शारदा सागर डैम भी है। इस डैम के किनारे ही चूका बीच स्थित है। यह बीच उत्तर प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है। वही नहरों के किनारे भी तमाम टूरिस्ट
स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की ओर से देश के 6 टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण रखरखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधक के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा दिया गया। इनमें PTR भी शामिल है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के NTCA के सहायक IGF हेमंत सिंह की ओर से पत्र जारी कर देश के 6 टाइगर रिजर्व काली मेलघाट ताड़ोबा अंधेरी नवेगांव नागजीरा पेरियार और पीलीभीत को CATS का दर्जा दिया गया है। गौरतलब है कि पीलीभीत को वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 2014 में बाघों की संख्या मात्र 25 थी। टाइगर रिजर्व बनने के बाद जंगल के अनुकूल वातावरण के साथ बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार काम हुए। नतीजा यह रहा कि वर्ष 2020 में बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। इस उपलब्धि के लिए पूरे विश्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की चर्चा भी हुई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मिस मिंडोरी पैक्सटन की ओर से नवंबर 2020 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाइगर X2 अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड की खास बात यह है कि विश्व के 13 ऐसे देश जहां बाघ पाए जाते हैं, इन देशों में सिर्फ भारत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या बढ़ाने पर यह अवार्ड मिला था। इसके बाद बाघों की बढ़ती संख्या का असर भी देखा गया। जंगल और उसके बाहर के इलाके में बाघों की सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि पूर्व की अपेक्षा मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आई। उल्लेखनीय है कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में शुरुआत की गई थी। इसके तहत 7 मानक स्तंभों और 17 मूल तत्वों पर आधारित लक्षित प्रजातियों के प्रबंधक के लिए मानदंड तय किए जाते हैं। इसके तहत बाघों के संरक्षण के क्षेत्र को चार्ज और परखने का अवसर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे। तो मिलते हैं ड्रीम टीवी की अगली किसी खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।